टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर कस प्रोडक्शन हाउस यानी राजन शाही के प्रोडक्शन हाउस ने अब तक बहुत से शोज को डिफरेंट टीवी चैनल्स पर लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम आपको इस प्रोडक्शन हाउस के टॉप 10 सुपर बेस्ट शोज के नाम बताएंगे जो अपनी जबरदस्त स्टोरी लाइन की वजह से व्यूअर्स का प्यार बटोरने में हुए हैं कामयाब। तो कौन से हैं वो 10 शोज जो हुए हैं इस लिस्ट में शामिल, आइए वीडियो को देखते हैं। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में नंबर 10 पर है मन की आवाज प्रतिज्ञा 2, जिसको 15 मार्च 2021 को स्टार भारत पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें प्रतिज्ञा और कृष्णा की कहानी दिखाई गई, जिसका रोल पूजा गौर और अरान बेहिल प्ले करते हुए नजर आए। इसके अलावा हमें इस शो में भूमिका गुरुंग और सचल त्यागी जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो भले ही स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने की वजह से टीआरपी के मैदान में अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, बट ये शो ऑनलाइन काफी पॉपुलर रहा और इसी वजह से ये शो 118 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद 25 अगस्त 2021 को ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में नवे शो का नाम है अमृत मंथन। इस शो को 26 फरवरी 2012 को लाइफ ओके पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अदा खान, अंकिता शर्मा, डिंपल झंगियानी और नवी भांगू जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा 1.5 साल तक राज करने के बाद 2 अगस्त 2013 को पूरे 221 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में 8वें शो का नाम है और प्यार हो गया। इस शो को 6 जनवरी 2014 को जी टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अवनी की कहानी दिखाई गई, जिसका रोल कांची सिंह प्ले करते हुए नजर आई। इसके अलावा हमें इस शो में मिशकत वर्मा और परिचय शर्मा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा 1 साल तक राज करने के बाद 2 दिसंबर 2014 को पूरे 241 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में 7वें शो का नाम है माता पिता के चरणों में स्वर्ग। इस शो को 29 जून 2009 को कलर्स टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें प्राचीन चौहान, अर्चना टिडे, मेघा गुप्ता और यातिन करियारकर जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा 1 साल तक राज करने के बाद 4 जून 2010 को पूरे 245 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में नंबर 6 पर है शो वो तो है अलबेला, जिसको 14 मार्च 2022 को स्टार भारत पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें शाहिर शेख, हिबा नवाब, किंशुक वेदिया और रांची शर्मा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो भले ही स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने की वजह से टीआरपी के मैदान में अच्छा परफॉर्म ना कर पाया हो, बट ये शो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीआरपी के मैदान में अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। इसी वजह से ये शो अब तक टेलीविजन स्क्रीन पर 214 से ज्यादा के एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में 5वें शो का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। इस शो को 3 अक्टूबर 2011 को सोनी टीवी पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें कृतिका कामरा, शरद केलकर, मोनिश बहिल, आलोक नाथ और रुखसार रहमान जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर पूरा 1.5 साल तक राज करने के बाद 28 मार्च 2013 को पूरे 346 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में 4वें शो का नाम है ये रिश्ते हैं प्यार के, जिसको 18 मार्च 2019 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अबीर और मिश्री की कहानी दिखाई गई, जिसका रोल रेहा शर्मा और शाहिद शेख प्ले करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीबन 1.5 साल तक राज करने के बाद 17 अक्टूबर 2020 को पूरे 355 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में 3रे शो का नाम है सपना बाबुल की विदाई। इस शो को 8 अक्टूबर 2007 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें दो चचेरी बहनों यानी साधना और रागनी की कहानी दिखाई गई, जिसका रोल पारुल चौहान और सारा खान प्ले करते हुए नजर आई। इसके अलावा हमें इस शो में अंगद हसीजा, किंशुक माजहां और सुलगना पानीग्राही जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर
पूरा 3 साल तक राज करने के बाद 13 नवंबर 2010 को पूरे 739 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में नंबर 2 पर है शो अनुपमा, जिसको 13 जुलाई 2020 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अनुपमा की लाइफ की स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है, जिसका रोल रूपाली गंगुली प्ले करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा हमें शो में गौरव खन्ना, सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर टीआरपी के मैदान में अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। इसी वजह से ये शो 762 से ज्यादा के एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। अब बात करते हैं उस शो की जिसने छोड़ा सबको पीछे और बना राजन शाही के प्रोडक्शन हाउस का सुपर बेस्ट शो। तो वो शो है स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसको 12 जनवरी 2009 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अब तक 3 जनरेशन देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी पहली जनरेशन में हमें हिना खान और करण मेहरा की केमिस्ट्री देखने को मिली, जबकि इसके बाद शिवांगी जोशी और मोहसिन खान की केमिस्ट्री हमें इंटरटेन करते हुए नजर आई, और अब हमें प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जो कि अक्षरा और अभिमन्यु का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शो अब तक 3900 से ज़्यादा के एपिसोड्स कंप्लीट कर चुका है। राजन शाही के सुपर बेस्ट शोज की इस लिस्ट में कौन सा शो है आपका फेवरेट? अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।